किशनगंज थाना अंतर्गत शनिवार को डकैती की योजना बनाते 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपियों से एक एयरगन, एक गुप्ते, मिर्ची स्प्रे, सरिया और बाइक बरामद कर ली। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट और स्नेचिंग की वारदातों को देखते हुए एसपी नितिन दिब्लगन के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। स्पेशल टीम और किशनगंज थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक पंचशील स्थित एक मकान में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिन्हें मौके पर धर दबोचा गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिवाली के समय लोग बैंकों से गहने अपने घर लाते हैं, इसलिए पंचशील इलाके में रेकी कर डाका डालने की तैयारी कर ली थी। पुलिस ने आरोपी सद्दाम चीता, शाहरुख पठान, रफीक सिद्दीकी चीता और जमील को गिरफ्तार किया है। जमील और सद्दाम के खिलाफ पहले भी नकबजनी और चोरी के 21 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है और अंदेशा है कि और भी कई वारदातें खुलेंगे। कल हमारी टीम कुछ बदमाशों की तलाश कई दिनों से लगी हुई थी, दीवार चोरियाँ वगैरह भी हुई हैं। हमारे जवानों को सूचना मिली थी कि कुछ 5 लड़के हैं जो वैष्णो माता मंदिर के पीछे छुप के किसी पंचशील में किसी मकान में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर चुपचाप से उनको अचानक घेरा देके पकड़ा, जिनके पास से एक एयर गन, एक गुप्ती, मिर्च पाउडर स्प्रे, लॉक तोड़ने की तरह सरिये ये बरामद हुए, जिनका पंचशील में किसी मकान की रेकी की हुई थी और रात को उसमें डकैती डालने की योजना थी, जिस योजना पर हमने उनको गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जो बदमाश पुराने नकबजन है, चोर है, जिनके पहले के मुकदमे हैं 2-3 के, और भी कई चोरियां इनसे खुलने की उम्मीद है। क्या क्या नाम है इनके, कहां के हैं ये? दो, एक सद्दाम है, एक जमील है, एक सदीक है, एक रफीक है, एक और शाहरुख। यही अपने आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। एक दो इलाके की तरफ के हैं, दो पंचशील के हैं।